हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बढ़ते कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों को लेकर अब सरकार पुलिस महकमे और प्रशासन से कह रही है कि सड़कों पर निकलो और रोको टोको, गरीबों पर, बेबसों पर चालान ठोको और कार्रवाई शुरू करो। सरकार के अक्षर सहित गुलाम प्रशासन के एसपी और प्रशासन निकल पड़े हैं सड़कों पर और रोको टोको और गरीबों पर चालान ठोको अभियान के तहत जुट गए चालान करने के लिए। मध्य प्रदेश के सागर में खुद इस अभियान का मोर्चा संभाला है पुलिस कप्तान तरुण नायक जी ने। साथ में थे नगर निगम आयुक्त आर पी अहरवाल। इतना ही नहीं, रसीद कट्टा थामे पूरा नगर निगम अमला उनके साथ खड़ा था। वजह थी कि नगर निगम कंगाली के दौर से गुजर रहा है। सूत्रों के मार्फत खबर है कि नगर निगम सागर में अब कोई पैसा की आवक जावक नहीं बची है। इस वजह से गरीबों, बेबस, मजलूमों, लापरवाह लोगों की गर्दन पर पुलिस का डंडा रखकर वह पैसा वसूल करेंगे। 100-100 रुपए का चालान कर उन लोगों से वसूलेंगे जो मास्क नहीं लगाए। तीसरी लहर की मध्य प्रदेश और सागर में दस्तक हुई। ये जो शासन के निर्देश हुए उसी के तारतम्य में प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के द्वारा ये संयुक्त रूप से पूरे जिले में ये रोको टोको अभियान शुरू चलाया जा रहा है, जिसमें कि चालानी कार्रवाई और समझाइश वगैरह दी जा रही है कोरोना के संबंध में। सर, जनता में गुस्सा रहता है कि नेताओं की रैली वगैरह हो जाती है और कोई कार्यक्रम हो जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जनता पर ही कार्रवाई होती है। इसको लेकर बड़े सभी से ये अपील है कि मास्क लगाएं। सागर जिले में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में जो ट्रेंड है वो बढ़ोतरी की तरफ है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की आवाज को अब दबाया जा रहा है, जनता तक यह आवाज ना पहुंच पाए इसलिए कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन दिन रात इस एक्सप्रेस न्यूज की आवाज को दबाने में लगा है, मुकदमे दर्ज कर रहा है। लेकिन आपसे यही अपील है कि हम सदैव जनता की आवाज बनेंगे और चैलेंज देते हैं कि हो सके तो हमारी आवाज को दबा लो, हम निरंतर जनता की आवाज बनेंगे। लेकिन जनता से यही अपील है कि सड़कों पर निकलें और मास्क लगाएं। उसके बाद भी अगर प्रशासन आप पर चालान करे तो फिर खबर करें मीडिया को, मीडिया आपकी आवाज जरूर बनेगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।